वेलकम बैक टू द डीवी स्टूडियो। मैं हूं डीवी आर्किटेक्ट दीपांशु वशिष्ठ। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मॉडर्न लग्जरी विला की। यस, तो यहां पर एंड सॉरी, कल वीडियो आनी थी तो ये आज हम डाल रहे हैं। कभी भी आपके लिए हम यही कोशिश करते हैं वीडियो कभी मिस ना हो, तो आपके लाइक शेयर एंड कमेंट भी कभी मिस नहीं होने चाहिए। आपके लिए इतने एफर्ट कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, क्या मजा आने वाला है ना। मतलब ऐसा घर आपने श्योरली, अभी तक मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा हमारी वीडियोज में, वो होती है और आप अप्रिशिएट भी करते हो, थैंक यू सो मच। बट ये घर सच में भाई, सच में एक यूनिक होने वाला है। एंड तक वीडियो को जरूर देखना। एंड यहां पर हम एक टारगेट रखते हैं, छोटा सा टारगेट है जो कि आपने लास्ट टाइम भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। यहां पर लाइक्स का टारगेट रखते हैं हम 3000 लाइक्स। लास्ट टाइम मैंने आपको 1000 का लाइक्स का टारगेट दिया था, बहुत ही जल्दी आपने कंप्लीट कर दिया, वो भी इस वीडियो के लिए 3K तो बनता है। वीडियो का साइज देखो भाई। इस घर की प्रोजेक्ट डिटेल्स आप स्क्रीन पर यहां पर पॉज करके देख लेना अच्छे से। इस घर का ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा यार, यहाँ पर 6 BHK में मॉडर्न लग्जरी विला आपको मिल जाता है। एंड ये घर आपको ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब इतने सारे फ्लोर्स मिल जाते हैं, काउंट करते रहना भाई, सच में नहीं देखा होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। एंड इसके फ्लोर प्लान देखना चाहते हैं, 2D फ्लोर प्लान अच्छे से समझना चाहते हैं, क्या हमने कैसे अरेंजमेंट किया हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में, फ्री डाउनलोड है, कर सकते हैं अच्छे से, आपके डायरेक्ट फोन में PDF आ जाएगी। चलो ओके, तो भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बढ़िया से एलिवेशन मेंशन लुक को डे एंड नाइट के साथ यहाँ पर आप इसकी फील ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी यूज लग रहा है घर, क्योंकि एरिया भी भाई यहाँ पर गज में बात करें तो, गज में एरिया नहीं बताया मैंने, 350 गज का एरिया है अप्रॉक्सीमेटली। ये घर का आपको साइज बताऊं तो 40x80 में आपको डायमेंशंस मिल जाती है। यहाँ पर आपको कुछ सेटबैक्स भी मिल जाएंगी, ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ये हमारी एक अच्छे क्लाइंट का घर था। इस घर की फेसिंग की बात करें तो ये घर की एग्जैक्टली फेसिंग साउथ ईस्ट है, मतलब ना साउथ ना ईस्ट, एग्जैक्टली साउथ ईस्ट फेसिंग है। कभी कभी एग्जैक्ट भी नहीं होते हैं तो फेसिंग साउथ ईस्ट है। इस घर के तीनों साइड अदर्स प्रॉपर्टी है। आगे चलते हैं तो ये मेन एंट्रेंस है, 2 सेपरेट एंट्रीज प्रोवाइड की है। तो इस एंट्री से हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये है हमारी कार पार्किंग की एंट्री। तो ये कार पार्किंग नहीं है, आप सामने देखेंगे तो सामने तक हमें लेफ्ट साइड में ये कार पार्किंग्स मिल जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 3 कार्स तो आराम से पार्क कर ही पाएंगे। आगे चलेंगे, काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एरिया के साथ ये आपको मिल जाता है आपका पेडेस्ट्रियन गेट, सेपरेट एंट्री। फिर से एक पाथवे बनाया हुआ है यहाँ पर काफ़ी लैंडस्केपिंग के साथ, ये आपको एंट्री फॉयल मिल जाता है। तो काफ़ी ग्रैंड लुक के साथ यहाँ पर आप थोड़ा सा चलेंगे, देन आपको इस घर का मेन डोर मिलेगा। एंट्री करते ही वाह भाई, यहाँ पर अभी बाद में आते हैं, सबसे पहले यहाँ टर्न करते हैं, ये आपको मिल जाता है ड्राइंग रूम। आप कहोगे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, बट अभी आप भाई देखते जाओ, अभी यहाँ पर आप डिज़ाइनिंग देखते रहना भाई, यहाँ पर एक फुली लेविश लुक में डिज़ाइन है यहाँ पर। ये आपको यहाँ पर ग्लास डोर मिल जाता है जो कि फ्रंट आपके गार्डन से कनेक्ट कर देता है। इसमें टीवी यूनिट नहीं प्लेस किया हमने, वो भी अभी बताते हैं क्यों नहीं किया। बाहर आए तो यहाँ पर आपको सेपरेट लिफ्ट भी मिल जाती है, ऑब्वियसली इतना बड़ा घर है लिफ्ट होनी चाहिए। एंड ये आपको भाई साहब ग्रैंड लिविंग रूम मिल जाएगा विद डबल हाइट। टीवी यूनिट का डिज़ाइन टॉप तक जा रहा है, फॉल्स सीलिंग डिज़ाइंस देख सकते हैं, मतलब देखने के लिए तो मैं आपको बोल नहीं सकता क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पर। सूदिंग कलर्स के साथ इसको बनाया गया है। आगे चलेंगे तो ये आपको काफ़ी बड़ी डाइनिंग टेबल चेयर मिल जाएगी। स्टेयरकेस से अभी बाद में जाएंगे, अभी चलते हैं हम अपनी किचन की तरफ। तो किचन में एंट्री करते ही यहाँ पर आपको यू शेप में मॉड्यूलर किचन मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी स्टोरेजेस आपको मिल जाती है इस किचन में। कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, एक लेविश लुक में काफ़ी डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाले हैं। 2 सिंक मिल जाएंगे सेपरेट एरिया में,
जहाँ पर आपको क्रॉकरी यूनिट भी मिल जाती है। तो एक तरह से वेट एरिया है हमारा यहाँ पर। किचन से बाहर आएंगे, ये हमारा हॉल तो आपने देख ही लिया होगा, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, फॉल सीलिंग्स वगैरह सब कुछ। अब यहाँ पर टर्न करते हैं तो ये एक डोर बाहर की तरफ जाता है, तो ये कनेक्ट कर देता है हमें पैसेज से। तो यहाँ पर हमने सेकेंडरी एंट्री भी दी है घर के लिए, क्योंकि इसी के साथ यहाँ पर ये पोर्शन आपको मिल जाता है सर्वेंट के लिए। यस, तो यहाँ पर एक सर्वेंट के लिए भी स्पेशल अलग एरिया बनाया गया है। ये बेडरूम हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक किचन हो गई। आगे चलेंगे तो ये यहाँ पर आपको वॉशरूम मिल जाता है। वेंटिलेशन, भाई वेंटिलेशन मत बोलना कि नहीं हो रही है अच्छे से, बहुत अच्छे से हो रही है वेंटिलेशन। आपको हर चीज़ आपको समझ आ जाएगी, प्लांट्स में देख सकते हैं। ओवरऑल भाई पॉज कर करके देख सकते हैं आप डिज़ाइनिंग यहाँ पर। टर्न किया तो यहाँ पर ये एक सेपरेट हैंड वॉश एरिया यूनिकली डिज़ाइंड मिल जाता है। इसी के साथ ये आपको मिल जाता है एक पाउडर रूम। यहाँ पर डिज़ाइनिंग देख सकते हैं मॉडर्न लुक में, भाई मतलब क्या बोलूँ, मेरे को वर्ड्स नहीं आ रहे, मॉडर्न ही मॉडर्न बोले जा रहे हैं, इसलिए एक्चुअली में मॉडर्न लुक ही बोलेंगे। ओवरऑल काफ़ी ग्रैंड एंड काफ़ी बड़ा साइज है इस घर का। यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये आपको बेडरूम नंबर 1 मिल जाता है। यहाँ पर आप पैनलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं, बेड भी हैवी डिज़ाइन के साथ यहाँ पर रखा गया है। टर्न किया, यहाँ पर आपको एक बड़ा सा मॉडर्न टीवी यूनिट विद वार्डरोब। अब सिर्फ यही वार्डरोब नहीं है, आप ये नहीं कहोगे छोटी है वार्डरोब, अभी दिखाते हैं। फॉल सीलिंग डिज़ाइन सिंपल रखे हैं जो कि मॉडर्न लुक में काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ से ये आपको एंट्री करते ही ये मिल जाता है वॉकिंग क्लोजेट, आपका काफ़ी बड़ा एरिया है। इसी के साथ आगे चलेंगे तो यहाँ पर इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट मिल जाएगा। लाइटिंग इफ़ेक्ट्स, मटेरियल्स, टाइल कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हैं, हर चीज़ से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये आपका सेपरेट बाथिंग एरिया यहाँ पर मिल जाता है। काफ़ी डार्क कलर एंड लाइट कलर्स का कंट्रास्ट के साथ यहाँ पर कॉम्बिनेशंस रखे हैं। तो इस बेडरूम से बैक साइड में जाने की जगह मिलती है, मतलब यहाँ पर आपको ये क्या मिल जाता है, ये पूजा एरिया नहीं है, ये एक्चुअली में एक मेडिटेशन रूम है। तो काफ़ी लोगों को एक मेडिटेशन रूम भी सेपरेट चाहिए होता है। काफ़ी सही साइज मिल जाता है इसका भी आपको। एंड इससे ये क्या लुक आ रहा है भाई, भाई भाई भाई, ये है हमारा बैकयार्ड जो कि बैक में सेटबैक है, जिसको हमने एक छज्जा और वैसी जाल से कवर किया है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। तो इसको हमने एज अ गार्डन में कन्वर्ट कर दिया है अपनी सेटबैक को। अंदर आया था बेडरूम नंबर 1, मतलब ओवरऑल ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर में इतनी सारी चीज है, इसको मैं 1 BHK भी नहीं बोल सकता भाई, हर बार की तरह। स्टेयरकेस से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। स्टेयरकेस पर पहुंचते ही काफ़ी यहाँ पर आपको ओपन खुला स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या सीन है भाई, ये देखो डबल हाइट पोर्शन पूरा क्लियरली दिख जाता है यहाँ से। रेलिंग्स लगाई गई हैं टफन ग्लास की यहाँ पर। इसी के बाद सबसे पहले इस डोर में एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको बेडरूम नंबर 2 मिल जाता है, फिर से एक मॉडर्न डिज़ाइन पैनलिंग्स के साथ। काफ़ी हैवी एंड लेविश पैनलिंग की गई है यहाँ पर। इसी के बाद एक बड़ा टीवी यूनिट विद लॉट्स ऑफ स्टोरेजेस। इसके बाद यहाँ पर ये आपको ग्लास डोर स्लाइडिंग डोर मिल जाता है जो कि बैक बालकनी में ले आता है। तो यहाँ पर बालकनीज भी मिल जाती हैं बैक साइड में, मतलब हर एरिया के साथ आपको ओपन एरिया तो मिल ही जाएगा। वापस अंदर चलते हैं बेडरूम नंबर 1 में, बेडरूम नंबर 2 था ये हमारा। एंड इसी के साथ में ही हम जाएंगे तो ये आपको इस बेडरूम की वॉकिंग क्लोजेट मिल जाती है विद ड्रेसिंग एरिया। इसी के साथ ये आपको इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया साइजेस, बड़े बड़े वॉश बेसिन वगैरह आपको मिल जाते हैं।
वेंटिलेशन भाई एक भी जगह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस घर में, बहुत अच्छे से वेंटिलेट हो जाएगा। बैक साइड बैक से हो रहा है वैसे ये वॉशरूम हमारा वेंटिलेशन। ये बेड की लोकेशन अगर आप कहोगे इस तरीके से क्यों लगाई हुई है भाई, ये वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो बाहर आए इस बेडरूम से इसी पैसेज से एक रास्ता जा रहा है, ये डोर मिल जाता है। ये एक सिंपल यहाँ पर किड्स रूम दिया गया है, बहुत ज़्यादा एनहांस नहीं किया गया इस रूम को जैसा कि रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग। तो ये वैसे हमारा बेडरूम नंबर 3 है। इसी के बाद ये आपको इस बेडरूम नंबर 3 का अटैच टॉयलेट मिल जाएगा। एंड ये बाहर निकलेंगे तो ये बैक साइड में बालकनी को भी कनेक्ट कर देता है। ये वही सेट बैक एरिया को हमने बहुत यूज किया है भाई। वापस उसी स्टेयरकेस और डबल हाइट सेंट्रल एरिया में यहाँ पर आ गए हैं। लिफ्ट आप देख ही सकते हैं, ये टॉप तक हर फ्लोर को कनेक्ट कर देती है। इसके बाद इस डोर से हम एंटर हो जाते हैं अपने बेडरूम नंबर 4 में। ये भी फुली मॉडर्न लुक में डिज़ाइंड है बेडरूम, काफ़ी बड़े बड़े साइजेस आपको मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको लॉट्स ऑफ स्टोरेजेस विद टीवी यूनिट को कंबाइन करते हुए इस डिज़ाइन को बनाया गया है। फॉल सीलिंग डिज़ाइन भी यूनिकली डिज़ाइंड है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो बेड के साइड में ही एक और पैसेज आ रहा है, आपने देख ही लिया है। ये आपको वॉकिंग क्लोजेट मिल जाता है आपका। स्टोरेजेस की कमी नहीं छोड़ी है भाई यहाँ पर। एंड इससे एंटर हो जाते हैं इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट। भाई मॉडर्न लुक में, फुली मॉडर्न लुक में कलर कंट्रास्ट के साथ बाथटब भी मिल जाएगा इसमें। तो भाई आपको मैं ऐसे ही 3000 लाइक्स के लिए नहीं कह रहा, आपको यार 3000 करा दो जल्दी से, इतनी मेहनत की है आप सभी के लिए। एक एक जगह का डिज़ाइन आप देख सकते हैं यूनिक है। यहाँ पर बड़ा स्लाइडिंग डोर मिल जाता है क्योंकि ये फ्रंट बालकनी को कनेक्ट कर देता है यहाँ से। बालकनी का साइज भी आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है, ये फ्रंट की तरफ मिलेगा जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम्स आपको मैंने दिखाए हैं। अभी स्टेयरकेस से चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। तो सेकंड फ्लोर पर एंटर करते ही भाई इतने सारे स्पेसेस आपको दिखने वाले हैं यहाँ पर। ये आप इस फ्लोर का फैमिली लॉन्ज एरिया मान सकते हैं। फॉल सीलिंग डिजाइन देख सकते हैं सारे। अब ये सामने आप एक इंटरेस्टिंग स्पेस देखेंगे, राइट वाले में एंटर करते हैं भाई। सबसे पहले ये छोटा सा एक OTS भी मिल जाएगा यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा एक आउटडोर सिटिंग स्पेस टाइप बनाया गया है। ऊपर जाल लगा है, ग्लास से कवर कर सकते हैं ताकि बारिश नीचे ना आए। स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है यहाँ पर भी, एंड इसी के साथ एक बड़ा स्लाइडिंग डोर ग्लास का जो देख सकते हैं आप। ये आपको मिल जाता है एक डेडिकेटेड पूजा रूम। तो एग्जैक्टली ये है हमारा इस घर का पूजा रूम। ऊपर ग्लास लगा हुआ है, हैंगिंग लाइट, बेल लगी हुई है, काफ़ी सही साइज है इसका भी। एंड बाहर आए तो ये एंटर हो जाते हैं हम अपने ऑफिस एरिया में। तो यहाँ पर हमने, हाँ जी, एक ऑफिस एरिया सेपरेट डेडिकेटेड दिया गया है, जिसका वर्क फ्रॉम होम हो, जिसका बिजनेस हो, सभी लोग यूज़ कर पाएंगे। एंड बैक साइड में फिर से वही सेट बैक की तरफ हम पहुँच जाते हैं बालकनी में। बाहर आ गए उसी फैमिली लॉन्च एरिया में। अभी इसी के एडजेसेंट वाले डोर में एंटर करेंगे तो ये हमें मिल जाता है बेडरूम नंबर 5 आपका। मॉडर्न लुक में कलर कॉम्बिनेशन फिर से लाइट एंड डार्क का यूज़ करते हुए कंट्रास्ट का यूज़ किया है यहाँ पर। बड़ा टीवी यूनिट, स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा,
एंड ये आपको फिर से एक बड़ा स्लाइडिंग डोर मिल जाता है। तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे ओवरऑल ना स्लाइडिंग डोर्स विंडोज़ काफ़ी मिलेंगी आपको। तो घर बड़ा है तो यार ओपन भी तो लगना चाहिए ना। वापस आए रूम के अंदर, फिर से एक पैसेज जा रहा है, ये आपको लेके जाता है वॉकिंग क्लोजेट की तरफ। इसी में ही आपका ड्रेसिंग यूनिट भी बना हुआ है। एंड देन यहाँ से एंटर हो जाते हैं। ये वॉशरूम भी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया मॉडर्न लुक में डिज़ाइन किया गया है डार्क एंड लाइट कलर्स की टाइल्स का यूज़ करते हुए। काफ़ी निशेज मिल जाती हैं आपको। बाहर आ गए, यहाँ पर स्टेयरकेस एरिया में, लिफ्ट एरिया में आगे चलेंगे। फिर से भाई इतने स्पेसेस हैं ना भाई, ये मिल जाती है इस फ्लोर की आपको यहाँ पर पैंट्री। काफ़ी बड़ी एज अ पैंट्री नहीं है, किचन ही है एक्चुअली में। आप यहाँ पर हॉब हटा के इसको एज अ पैंट्री यूज़ कर सकते हैं। अब यार इतने बेडरूम्स हैं, इतनी फैमिलीज भी तो होंगी ना। इसी के बाद ये आपको मिल जाता है इस फ्लोर का एक कॉमन वॉशरूम भी मिल जाता है आपको। ज़रूरी नहीं सबके साथ आप अटैच करें, क्योंकि यार बाहर OTS भी है, फैमिली लॉन्च भी है, तो कॉमन होना ज़रूरी है एक वॉशरूम। देन यहाँ पर जो थर्ड डोर था, ये आपको लेके जाता है बेडरूम नंबर 6 में, जिसको आप एज अ गेस्ट रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको TV यूनिट विद वार्डरोब एक साथ ही मिल जाती है। इसी के साथ यहाँ पर भी आपको एक बड़ा ग्लास डोर मिल जाता है, स्लाइडिंग डोर, फ्रंट बालकनी को कनेक्ट कर देता है यहाँ से। अब यार इसी बालकनी से आप एक और स्पेस देखेंगे तो यहाँ पर एक हैंगआउट एरिया भी मिल जाता है, छोटा सा। छोटा तो नहीं है एक्चुअली, काफ़ी बड़े बड़े एरिया हैं यहाँ पर हर एक। तो बाहर आए, ये था सेकंड फ्लोर का। भाई मैं काउंट नहीं कर रहा यार मैंने कि क्या क्या दिखाया मैंने, भाई आपने देख ही लिया है। अभी थर्ड फ्लोर पर चलते हैं, जो कि हमारा टेरेस भी है। तो यहाँ पर ये ममटी आ जाती है, स्टेयर्स इससे ऊपर नहीं जा रहे एक्चुअली। ये टेरेस भी है हमारा, इसके ऊपर एज आ पर्टिकुलर टेरेस नहीं है, मतलब अभी मैं दिखा देता हूँ आप समझ जाओगे। यहाँ पर टाइल्स देख सकते हैं, कुछ पैनलिंग्स की गई हैं, काफ़ी ओपन एरिया भी है। एंड देन ये एक स्पेशल एरिया है भाई, इसको देख के मज़ा आ जाएगा। एंट्री करेंगे यहाँ से तो ये भाई आपको एक लीजर एरिया मिल जाता है, मतलब यहाँ पर आप हैंग आउट कर सकते हैं, पार्टीज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी गेम प्लेस कर सकते हैं भाई, मतलब क्या कुछ नहीं कर सकते अपनी खुशी के लिए। तो भाई यहाँ पर एक प्लेजर एरिया टाइप कुछ बोल सकते हैं आप। पूल टेबल, टेबल टेनिस आपको मिल जाता है, मतलब भाई क्या ही काउंट करें, यहाँ पर काउंटिंग नहीं है यहाँ कोई। सेपरेट एक जिम एरिया आपको मिल जाएगा, मशीन ज़्यादा नहीं रखी है हमने भाई, अपने हिसाब से रख सकते हैं आप। ओवरऑल यहाँ की थीम देख सकते हैं भाई, बहुत ही तगड़ी थीम लग रही है एकदम। यहाँ पर आपको ऑब्वियसली एक वॉशरूम चाहिए था, तो यहाँ पर आपको एक फुल मतलब कि वॉश बेसिन मिल जाता है। यहाँ पर टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं, और WC मिल जाएगी, बाथिंग एरिया भी मिल जाएगा। मान लो कभी जिमिंग वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर आप शॉवर ले सकते हैं। तो मतलब सभी चीज़ों का एक बढ़िया तरीके से ध्यान रखा गया है। तो ऐसे ही ध्यान रखना होता है आपको हमारी वीडियो के लाइक एंड शेयर कमेंट में भी। इसी के बाद यहाँ पर आपको एक छोटी बालकनी भी मिल जाती है, जिससे कि आपको पार्किंग एरिया एंट्रेंस दिख जाती है। एंड आपने देखा होगा इसमें भी स्लाइडिंग डोर है बड़ा, बैक बालकनी को कनेक्ट कर देता है। बट अभी चलते हैं हम अपने आगे की तरफ इसी फ्लोर के। लिफ्ट आप देख ही सकते हैं लेफ्ट में,
इसी के साथ आपको यहाँ पर भी एक छोटी सी पेंट्री मिल जाती है, मतलब इसको आप एज अ बारबेक्यू वगैरह की चीज़ों के लिए या फिर और भी जो जो आप खाना पीना यार जो भी रखना चाहते हैं, पार्टीज होंगी तो खाना पीना भी तो चाहिए। इसी के साथ इसी के अपोजिट ये आपको एक लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है सेपरेट। देन हम आ जाते हैं इस टेरेस को, जो कि टेरेस में बोल रहा था इसको, यहाँ पर सिटिंग वगैरह कर सकते हैं, पर गोला सिटिंग है ये एक तरह से। एंड यहाँ पर आप देखेंगे स्पाइरल स्टेयरकेस भी दिख जाता है आपको। तो यहाँ पर स्पाइरल स्टेयरकेस दिया गया है ऊपर वाले टेरेस को कनेक्ट करने के लिए। एक्चुअल में हम वो वाले स्टेयरकेस को ऊपर भी ला सकते थे जो नॉर्मल वाले स्टेयर्स थे। बैक साइड में यहाँ वाटर टैंक्स प्लेस किए हैं। आई नो ये काफ़ी छोटे वाटर टैंक्स हैं, इस घर के लिए काफ़ी बड़े ज़्यादा लीटर्स के आपको वाटर टैंक चाहिए होंगे, वो प्लेस हो जाएंगे, बहुत जगह है आपके पास। ओवरऑल टेरेस को, टॉप वाले टेरेस को प्लेन रखा गया है क्योंकि एक्चुअल में टेरेस हमारा जो थर्ड फ्लोर था वही था। तो 3000 वाला लाइक्स वाला मतलब किया ना काम, आई थिंक सो। मतलब पर्सनली अपनी तारीफ करना मुझे अच्छा ऐसा कुछ नहीं लगता है, बट सच में यार ये घर डिज़ाइनिंग में जो मेहनत एंड टाइम लगा है ना, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेट भी हो गई। बट आपको क्वांटिटी से ज़्यादा हम क्वालिटी पर फोकस करना है, क्वालिटी आपको यहाँ पर बेस्ट मिलने वाली है। तो उसी के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डीवी स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर डीवी स्टूडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके फ़ोन में डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके लिए ईजी रहेगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।